फाइनली मैं अपने क्वारंटीन होटल से बाहर आ गई हूँ और ये रही मेरी कैब। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माई शैडोबीट और आप सबकी पल्लवी। सो फाइनली मैं बाहर आ गई हूँ और कैब में हूँ, अपने सर्विस अपार्टमेंट जा रही हूँ जहाँ मुझे 1 मंथ का स्टे मिला है। एंड मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है बाहर आके। एंड ब्लॉग स्टार्ट करने के पहले, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना माई शैडो बीट्स। मैं बता नहीं सकती आपको मुझे कितना अच्छा लग रहा है 10 डेज़ के बाद एक छोटे से रूम से बाहर आके, फ्रेश एयर में आके, एंड मौसम भी काफ़ी अच्छा है। एंड ऑन द वे मुझे द फेमस लंदन आई भी दिख गई है, और ये है लंदन की फेमस डबल डेकर बसेस, टेलीफोन बूथ। सर्विस अपार्टमेंट के बाहर पहुंच गई हूँ, द क्रॉनिकल अपार्टमेंट्स। ये सर्विस अपार्टमेंट है नॉविक स्ट्रीट में, विच इज़ एट द सेंट्रल लंदन, एंड दिस इज़ द रिसेप्शन। और ये देखो वेलकम के लिए कौन खड़ा है, द ट्रम्प। और अब हम देखते हैं अपार्टमेंट। सो एंट्री लेते ही एक टीवी है और एक डेस्क है, वर्किंग डेस्क, एक छोटा सा डाइनिंग टेबल है, एंड इधर सोफ़ा है, साइड टेबल भी है। किचन थोड़ी छोटी है बट ठीक है, एक जने के लिए आई थिंक इट्स मैनेजेबल। जिस दिन मैं आई और रूम टूर बना रही थी उस दिन मैं डिटेल्ड किचन वीडियो बनाना भूल गई, सो आज बना रही हूँ। ये है अवन, सो ये माइक्रोवेव ओटीजी एंड कन्वेक्शन अवन है। नीचे फ्रिज है, एंड वो रहे मेरे क्वारंटाइन सेविंग्स वाले एप्पल, अभी तक चल रहे हैं ये, तो काफ़ी बड़ी फ्रिज है, मैनेजेबल, एक एक बंदे के लिए डिसेंट है। एंड स्टोरेज, ये मेरे सारे मेडिसिन्स है, स्टोरेज स्पेस उन्होंने काफ़ी दे रखी है, ये कुछ सामान मैं घर से लाई थी। सो आपको यहाँ ऑलरेडी थोड़े बहुत यूटेंसिल्स मिलेंगे सो दैट आप कुक कर सको नॉर्मली, नॉर्मल खाना, ज़्यादा बर्तन नहीं होते बट थोड़े बहुत होते हैं, इतना होते हैं कि आप कुकिंग कर सको। एंड वाटर हीटर, ये रही टोस्टर, ये मेरी फेवरेट नेस्प्रेसो की कॉफ़ी मशीन, एंड ये रही हॉट प्लेट। सो लंदन में आपको हमेशा मोस्टली हॉट प्लेट्स मिलते हैं, जो हमारे साइड जो हीटर होते थे वैसे, कॉइल वाले हीटर या इलेक्ट्रिक हीटर वैसे होते हैं, गैसेस बहुत कम होते हैं, तो ये दो है, और वैसे आपको 4 वाले भी मिलते हैं, बट हॉट प्लेट इंडक्शन नहीं होते, इंडक्शन अलग होते हैं। ये स्पूंस, नाइफ्स वो ऑलरेडी आपको देते हैं, थोड़े माइक्रोवेव के बर्तन रखे हुए हैं, एंड नीचे भी यूटेंसिल्स हैं 2-3 जो जूठे हुए हैं, अभी जूठे हैं बेसिकली। ये रही डिशवॉशर, इसमें भी जो बर्तन है वो जूठे पड़े हैं, मुझे एक्चुअली इनको वॉश करना है। एंड ये थोड़े बहुत डिशवॉशर एंड गार्बेज बैग्स रखे हुए हैं यहाँ। एंड ये रही वॉशिंग मशीन, तो फ्लैट में उन्होंने ज़रूरत का सारा सामान दे रखा है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, डिशवॉशर, यूटेंसिल्स, हॉट प्लेट। एंड अब हम देखते हैं अपना बेडरूम। एंट्री करते ही हमको कबर्ड दिखती है, एंड राइट साइड में वॉशरूम, तो सबसे पहले हम वॉशरूम चेकआउट करते हैं। वॉशरूम भी ओके है, मतलब ना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है, मिरर्स हैं, अच्छे लाइट्स हैं, एंड स्टोरेज कैपेसिटी भी ठीक ठाक है। बाथटब है, लंदन के मोस्टली 95% घरों में आपको बाथटब दिखेंगे। ये कबर्ड्स हैं, सो 2 कबर्ड्स दे रखी हैं उन्होंने रूम में, कबर्ड्स भी अच्छे हैं, स्पेशियस हैं। बेड्स में ऑलरेडी पहले से बाथरोब एंड स्लीपर्स रखे हुए हैं, और अब लाइट्स ऑन करके देखते हैं। रूम छोटा सा है बट बहुत ही कोजी वाइब दे रहा है, एंड वी ऑल्सो हैव अ मिरर हियर, टीवी है, एंड सबसे बड़ी बात वी हैव अ बिग विंडो, मतलब विंडो बड़ी मिल गई तो क्या ही कहना, ऊपर से व्यू इतना अच्छा है, वेदर भी अच्छा हो रखा है, सो इन शॉर्ट आई रियली लाइक द रूम। एंड अब देखते हैं मेरा फेवरेट एरिया, वो है बालकनी। So this is the balcony and I am quite liking it. क्योंकि मुझे balcony मिल जाती है तो I am like always very happy. And the flat is really cool. It's very nice. उसमें जो paintings लगे हैं and the entire aesthetic is very good. The color combination and everything. 1 BHK के हिसाब से it's really nice and spacious and decent. अच्छे से construct और manage the properly अच्छे से interior करा हुआ है। मैं Bangalore में भी 1 BHK में starting में रही हूँ, like 2 Airbnbs which were like 1 RK room, the same यही concept था उसका भी, but it was not really good, it was not good actually, it was not good. Washroom बहुत छोटे थे and it was like oh I don't know, I didn't like it, but यहाँ पर it's like very very good. I'm really hopeful कि जो मैं घर ढूँढूँ, मुझे घर भी जल्दी जल्दी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, और
जल्दी मिल जाए. 30 days का स्टे है यहाँ पे, मैं रह सकती हूँ, बट आई वुड लाइक टू गेट माई प्लेस एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि वो दिमाग से वो टेंशन हट जाता है कि यार अभी घर ढूंढना है ये वो, क्योंकि घर ढूंढना इज़ अ बिग बिग टास्क. बैंगलोर में मैं ऑलरेडी सफ़र कर चुकी हूँ, 3 महीने मैंने अपने पसंद का घर ढूंढा, फिर जाके मुझे मिला. सो यहाँ पे वैसे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बोल रहे थे कि अगर आप ढूंढो तो 10-15 दिन में आपको मिल जाते हैं, बट आपको रिक्वायरमेंट्स अपनी स्टार्टिंग में क्लियर करनी होती है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं. सो आई हैव एवरीथिंग इन माई माइंड कि मुझे कैसा घर चाहिए, कहाँ चाहिए. सो होपफुली आई विल गेट माई प्लेस एज सून एज पॉसिबल. माई होम फॉर नेक्स्ट 30 days. शिफ्टिंग एंड पैकिंग में इतना टाइम चला गया और मैंने ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी नहीं किया. इट्स ऑलरेडी अभी 2:30 बजे हुए हैं, शायद अभी 2:30 बज गए हैं, एंड मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, तो मेरा पिज़्ज़ा आ गया है. तो जब तक मैं ये पिज़्ज़ा खाती हूँ, आप मेरे वीडियो पे लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर भी कर दो इसको, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय.